दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के टुकड़ों, या बोल सकते हैं कि कोंपल जो होती है, नई नई जो उसमें शाखाएँ फूटती हैं, जिसको हम गढ़वाली उत्तराखंड में टुकले बोलते हैं। तो आज हम इसकी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है। ये हमने कद्दू का जो बेल लगाई थी उसमें ये जो नई नई शाखाएँ फूटती हैं, तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ये हमने अपने घर के पास में ही लगाया हुआ है और इसकी हम आज एक स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। दोस्तों, इसको तोड़ने का सबसे सरल तरीका ये है कि जहाँ से ये स्वयं ही हाथ लगाते ही टूट जाए, तो समझिए कि ये उतना जो है खाने के लायक है। तो इसको हम जो है तोड़ रहे हैं, और इसको जो है तोड़ने का एक फ़ायदा ये है कि अब इस जहाँ से हमने इसको तोड़ा है वहाँ से काफ़ी जो है नई शाखाएँ भी फूटेंगी, और ये जो कद्दू की बेल है बहुत जो है फैलने के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमने 5-6 ये टुकड़े जो है इसके जो कोंपल हैं नई, ये तोड़ दिए हैं। आजकल बरसात का मौसम है तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है, क्योंकि उसको पानी चाहिए होता है, और ये बहुत ही साफ सुथरी है अभी। बस इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इसमें चींटियाँ काफ़ी लगती है, चींटियाँ छोटे छोटे कीड़े, उनको झाड़ दीजिए, और उसको हम जो है साफ पानी से धोएंगे। और ये हम इसको नल में धो रहे हैं। बस इसको हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ कीड़े जो बरसात में चढ़ जाते हैं उनको आप जो है ध्यान से निकाल लीजिएगा। ये हमने इसको सुखा लिया है, और अब हम इसके जो किनारे से पकड़ के उसको इसमें जो एक छाल सी होती है उसको निकाल देंगे, और क्योंकि वो थोड़ा काटने में परेशानी करता है, इसको बस आपको पकड़ के खींच लेना है। तो ये एक धागा टाइप का एक स्किन जो है इसकी छाल वो निकल आती है, बस आपको इतना ही करना है। बस विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ भी होती हैं, उसको आपको पहले ही झाड़ के निकाल के धो के निकाल लेना चाहिए। बहुत जल्दी ये निकल सब्जी तैयार हो जाती है। बस इसको जो है ऐसे खींचिए और बहुत ही जल्दी जो है ये साफ़ हो जाएगी। इसको सभी को हम ऐसे करेंगे, देखिए मुश्किल से 2 मिनट में ये सारा जो है साफ हो जाता है। ये कद्दू जो है बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है, इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है, और ये टुकड़े हैं तो इसमें जो है विटामिन ए की मात्रा भी है। हरी सब्जी, और इसको आपको ऐसे खींच के साफ कर लेना है, नहीं तो ये काटने में परेशानी करता है। बस केवल इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ड्रेसिंग कर रहे हैं इसकी, और जो पत्ते हैं छोटे छोटे मुलायम वो भी खाने योग्य होते हैं। बस आपकी जो ये बेल की जो तंतु टाइप के हैं ये भी जो है पक जाते हैं। पत्तों को आपको बहुत भली भांति साफ जो देखना है, बस बरसात का मौसम होता है तो वो थोड़ा कीड़े मकोड़े इसमें बैठ जाते हैं इनके ऊपर, बस इसको थोड़ा देख के साफ सफाई से, और वैसे हमने धो भी लिया है और साफ भी कर लिया है। अब इसको चाकू से बारीक हम लोग इसको इसकी सब्जी इसको काटेंगे, और एक पकड़ के एक मुट्ठी में, और चाकू से हम इसको बहुत बारीक काटेंगे तो ये ठीक रहेगा। एक उत्तराखंड साइड में इसको काफ़ी जो
बनाया जाता है, और ये जो है कम से कम जो है मई के महीने से इसको जो है लोग अप्रैल मई से जो है बोना शुरू करते हैं, और ये अभी जो है काफ़ी टाइम तक ये चलता रहेगा, सितंबर अक्टूबर तक ये। अभी तो ये नए हैं, ये इसकी सब्जी आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कॉम्प्लेंट फूटती रहती हैं, और इसके जो फूल होते हैं उसकी भी जो है पकौड़ी बनती है। और ये केवल जो है उत्तराखंड में ही नहीं, मैंने इसको जो है देखा है कि बंगाल में भी, तो वहाँ तो इसके पत्तों की भी बनती है, जो पत्ते मुलायम मुलायम से पत्ते हैं, हम तो इसकी टोकल ही खाते हैं। तो ये हमने ये सब्जी इसको बारीक काट दिया है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम हरी ग्रीन बिल्कुल। और ये अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम एक प्याज, इसमें छोटा सा प्याज काटेंगे, हरी मिर्च और दो तीन कलियाँ इसमें हम डालेंगे लहसुन की। ये इसमें जो है हम इसको बनाएंगे सरसों के तेल में, थोड़ा सा तेल जो है ज़्यादा ही हमने डाल दिया है, वैसे थोड़ा सा उसको निकाल लेंगे हल्का सा, तो आधा। और इसमें हम डालेंगे जख्या, क्योंकि इसमें जख्या में ही इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। हम गढ़वाल क्षेत्र में जो है जख्खे का हम लोग जो है ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और क्योंकि ये यहाँ पर स्वयं ही उगाता है। और हम जो है ये देखिए, हमने पिछले साल इसको निकाला था, अब फिर से ये जो है इसी मौसम में जख्खिया भी ये जो है खेतों में मिलता है, इसे बोया नहीं जाता, ये अपने आप ही उगता रहता है। और हम लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं साइड में कहीं खेतों में, और फिर इसको अपने खाने योग्य 1-2 किलो जो है निकाल लेते हैं। ये जख्खिया इसमें ये तलक गया है, तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। पहले इसमें हम जो लोग थोड़ा सा जो है इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने काटा है, 2-3 कलियाँ जो, और उसके बाद फिर इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए लहसुन जो है ये डाल दिया है, तो ये जले इससे पहले, फिर इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे। थोड़ा प्याज को हम लोग जो है सुनहरा भून लेंगे, ब्राउन टाइप का, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसको। और फिर इसमें हम जो है कद्दू की जो हमने सब्जी जो पत्तों की सब्जी काटी है टुकड़ों की, वो हम इसमें डाल के, और ये जो हम लोग इसको दाल के संग और जो है चावल के संग इसको खाते हैं। आप इसको रोटी के संग भी खा सकते हैं, हम तो दोपहर में इसको बना रहे हैं आज, तो इसको जो है रोटी के संग भी खा सकते हैं। ये देखिए हमने प्याज भून गया, तो हमने इसमें इसको डाल दिया, ये इसमें अच्छी तरह से इसको तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, इसमें अच्छी तरह से मिल जाए प्याज के संग में। बस इसमें ज़्यादा मसालों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें आप नमक, हल्दी, मिर्च, हरी मिर्च हमने वैसे डाली हुई है, तो हरी मिर्च भी काटी हुई है, तो इसमें जो है थोड़ा सा मसाले मिला देते हैं, ये हल्दी और धनिया पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया हमने, ये मिर्च डाल दी, हरी सब्जी होती है वो दिखती बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए मसाले उसको जो लास्ट में जो उसकी क्वांटिटी बचती है उसको देखते हुए जो है नमक और ये सब मसाले मिलाएं, ये तो ये बहुत दिखता बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में सब पकने के बाद वो थोड़ा सा बन जाता है, तो आप कहीं पहली क्वांटिटी को देखते हुए फिर जो है मसाले डालें, तो आप बस को ये समझिए कि लास्ट में जो कितना ही बनेगा ये सोच के तब इसमें आप जो है मसाले डालें, नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो सकता है, इसलिए नमक थोड़ा सा
बस लास्ट में छोटा थोड़ा सा क्वांटिटी देख के ही करें। मुश्किल से 5-10 मिनट में ही हल्की आंच में इसको पकाने के लिए छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट में ही बन जाएगा। और फिर इसको आप जो है चावल या रोटी के संग इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल जो दाल चावल है उसके संग भी आप जो है सब्जी में इसको खा सकते हैं। इसका टेस्ट आप जो है हमेशा इसको आप जो को पसंद आएगा, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। बाज़ार में भी ये मिलता है आजकल, ऐसा नहीं कि ये बाज़ार में नहीं मिलता, बाज़ार में भी मिलता है, शहरों में भी सब जगह मिलता है। ये देखिए किस तरह से ये बहुत ही इसका रंग भी अच्छा है सब्जी का, और टेस्ट भी आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों ये सब्जी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।